और मॉर्निंग एक्शन में है सीएम शिवराज, आज जबलपुर संभाग की बैठक ले रहे हैं, उनके अफसरों के साथ समीक्षा बैठक चल रही है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की समीक्षा, यूरिया वितरण को लेकर जो शिकायतें मिली थी उसको लेकर भी यह बैठक है। दोषियों के खिलाफ तत्काल FIR करने के निर्देश दिए सीएम ने, गिरफ्तार करने और कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। तो यूरिया में परिवहनकर्ताओं ने निर्धारित स्थानों पर आपूर्ति कम की है, कृभकों में परिवहनकर्ताओं ने निर्धारित स्थानों पर यह आपूर्ति कम की है, इसको लेकर कुछ स्थानों पर सूचना ही नहीं है, तो आयुक्त ने संभाग के जिलेवार आवंटन की जानकारी दी है। एक बड़ी बैठक कृषक भारती कोऑपरेटिव को लेकर ये बातचीत है, जहां कृषक भारती कोऑपरेटिव में परिवहनकर्ताओं ने निर्धारित स्थानों पर आपूर्ति कम की है। क्यों की है, क्या कारण रहा है इसके पीछे, इसको लेकर भी बातचीत हुई है। कुछ स्थानों पर बिल्कुल भी इसकी कोई सूचना ही नहीं है। बैठे और एसपी बैठे, तत्काल FIR करो और FIR करके पकड़ो इनको। ये नहीं चल सकता भाई, किसान कैसे खाद। सूरज शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। सूरज, सीधे एक्शन में नजर आए सीएम शिवराज, आदेश दिए उन्होंने कि आप एक्शन लीजिए और इन पर FIR दर्ज कीजिए, कैसे इन्होंने वहां पर खाद नहीं पहुंचाई, किसान क्या करेगा? देखिए, एक बहुत गंभीर मामला है कि जिस तरीके से 2600 टन जो यूरिया है वो जबलपुर पहुंच चुका है, और जिस तरीके से कृभकों की एक जिम्मेदारी थी कि जिस तरीके से जो नगरीय प्रशासन या कमिश्नर ने जो आदेश दिए थे किस तरीके से कहां कहां पर जो यूरिया है वो सप्लाई करना है, लेकिन वो निश्चित स्थानों पर जो परिवहन है वो नहीं हुआ है, बाकी निजी स्थानों पर परिवहन कर दिया गया। ऐसा देख वजह कमिश्नर की रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री ने सख्ती बरतने के निर्देश दिए और तत्काल SP और IG को निर्देशित किया है कि खाद्य आपूर्ति नियम के अंतर्गत खासतौर से जो फूड डायवर्सन होता है, फूड सप्लाई होता है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और 3A, 3B, 3C के तहत इन पर FIR की जाए और तत्काल जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि किसानों के मामले में सरकार कोई भी ढील ढवाल जो रवैया है वो अपना नहीं अपनाई, क्योंकि जिस तरीके से किसानों को मौजूदा समय में खाद की जरूरत है और यदि ऐसे में उचित समय पर खाद नहीं मिलेगा तो किसान कैसे अपनी फसलों को लेकर काम करेगा, किस तरीके से उनका उत्पादन अच्छा होगा। तो कहीं ना कहीं किसानों को लेकर गंभीर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सख्ती दिखाई और साफ तौर पर निर्देशित कर दिया है कि अब से जो भी सप्लाई होगी उसका विशेष ध्यान रखा जाए और समीक्षा भी की जाए कि यदि जिन स्थानों को लेकर सप्लाई के लिए निश्चित किया गया है उन्हीं स्थानों पर सबसे पहले सप्लाई सुनिश्चित होना चाहिए और उसको लेकर परिवहन की उचित व्यवस्था और निगरानी भी की जाना चाहिए। शायद यही वजह है कि तत्काल ही FIR के निर्देश दिए हैं और जो दोषी लोग हैं, जो परिवहन में लगे कर्मचारी अधिकारी हैं, उन पर सख्ती के साथ कार्रवाई हो और FIR कर तत्काल उनकी गिरफ्तारी भी होना चाहिए। तो कुल मिलाकर सख्त नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। इसके अलावा और निर्देश भी दिए हैं कि कभी भी किसी प्रकार से यूरिया की सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यदि कमी होती तत्काल सरकार को बताएं, क्योंकि मौजूदा समय में यदि किसानों को यूरिया की जरूरत है, ऐसे में यदि तत्काल उन्हें यूरिया नहीं मिलता है तो इसका जो दोषी आखिर कौन होता है। शायद यही वजह है कि कमिश्नर ने जिस तरीके से आंकड़े प्रेस किए कि जिले में अलग अलग स्थानों पर जो जिम्मेदारी दी गई थी और स्थान तय किए गए थे, परिवहन करने वाली कंपनी ने वहां पर यूरिया ना पहुंचाकर अन्य निजी स्थानों पर पहुंचाया है और उसी रिपोर्ट के आधार पर आज FIR करने के निर्देश दिए हैं। विजय, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए सूरज। तो दोषियों के खिलाफ तत्काल FIR करने के निर्देश दिए, साफ तौर पर क्या कहा मुख्यमंत्री जी ने, एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं। IG बैठे और SP बैठे, तत्काल FIR करो और FIR करके पकड़ो इनको। ये नहीं चल सकता भाई, किसान कैसे खाद डाइवर्ट कर दिया।